नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इमली की मीठी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप चाट के साथ खा सकते हैं, दही बड़े के साथ और समोसे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से लाल चटनी बनाई है। इमली को आधे घंटे पहले भिगो दिया था और उसका इस तरीके से हमने रस निकाल लिया है और छन्नी से छान लिया है। 250 ग्राम गुड़, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक, सोंठ का पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रखेंगे और गैस ऑन करेंगे तेज फ्लेम में। और जो ये हमने पल्प निकाल करके रखा है इमली का रस, तो उसको डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो इसकी जगह पे शुगर भी ले सकते हैं थोड़ा सा, और आधा गुड़ और आधा शुगर डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से चलाते हुए, तो ये देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और गुड़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है। आप गुड़ की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं या आधा गुड़ आधा शुगर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने नहीं डाला है, गुड़ की ही बना रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो हम पहले डाल देंगे काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, सौंफ पाउडर और ये सादा नमक। इन सबको डाल करके एक बार इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसको इसी तरीके से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फन करके बाहर गिर जाएगी, नहीं तो नीचे लग जाएगी। तो इसलिए इसी तरीके से चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसे। और अब डाल देंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला ऑप्शनल है, ये गाढ़ी हो गई है, इस तरीके से हो गई है, पर थोड़ा सा इसे हम और चलाएंगे 2-3 मिनट तक। तो ये इतनी गाढ़ी हो गई है, अब हम इसे गाढ़ी नहीं करेंगे, इसको उतार करके रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। हम इस मगज को भून लेंगे, ये खरबूजे का बीज है, तो इसे थोड़ा सा भून लेंगे। खरबूजे का बीज हमने भून करके रखा था, तो उसको डाल दिया है इसी में। और हमारी चटनी भी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।